आप सुनने जा रहे हैं खलील जिब्रान की लिखी कहानी परछाई। जून के महीने का एक प्रभात था। घास अपने पड़ोसी बलूत वृक्ष की परछाई से बोली, तुम दाएं बाएं झूलकर हमारे सुख को नष्ट करती हो। तब परछाई बोली, अरे भाई मैं नहीं, जरा आकाश की ओर तो देखो, एक बहुत बड़ा वृक्ष है जो वायु के झोंके के साथ पूर्व और पश्चिम की ओर सूर्य और भूमि के बीच झूलता रहता है। घास ने ऊपर देखा तो पहली बार उसने उस वृक्ष को देखा। उसने दिल में कहा, घास ये मुझसे भी लंबी और ऊंची ऊंची घास ही तो है। और घास चुप हो गई। आप सुनने जा रहे हैं खलील जिब्रान की लिखी कहानी दूसरी भाषा। मुझे पैदा हुए अभी 3 ही दिन हुए थे और मैं एक रेशमी झूले में पड़ा अपने आसपास के संसार को बड़ी अचरज भरी निगाहों से देख रहा था। तभी मेरी माँ ने आया से पूछा, कैसा है मेरा बच्चा? आया ने उत्तर दिया, वह खूब मजे में है। मैं अभी तक इसे 3 बार दूध पिला चुकी हूँ। मैंने इतना खुश दिल बच्चा आज तक नहीं देखा। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया और मैं चिल्लाने लगा, माँ ये सच नहीं कह रही, मेरा बिस्तर बहुत सख्त है और जो दूध इसने मुझे पिलाया वह बहुत ही कड़वा था और इसके स्तनों से भयंकर दुर्गंध आ रही है। मैं बहुत दुखी हूँ। परंतु ना तो मेरी माँ को यह मेरी बात समझ में आई और ना ही उस आया को, क्योंकि मैं जिस भाषा में बात कर रहा था वह उस दुनिया की भाषा थी जिस दुनिया से मैं आया था। और फिर जब मैं 21 दिन का हुआ तो मेरा नामकरण किया गया तो पादरी ने मेरी माँ से कहा, आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि आपके बेटे का जन्म एक ईसाई के रूप में हुआ है। मैं इस बात पर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। मैंने उस पादरी से कहा, तब तो स्वर्ग में तुम्हारी माँ को बहुत दुखी होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा जन्म एक ईसाई के रूप में नहीं हुआ था। किंतु पादरी भी मेरी भाषा नहीं समझ सका। फिर 7 साल के बाद एक ज्योतिषी ने मुझे देखकर मेरी माँ को बताया, तुम्हारा पुत्र एक राजनेता बनेगा और लोगों का नेतृत्व करेगा। परंतु मैं चिल्ला उठा, यह भविष्यवाणी गलत है क्योंकि मैं तो एक संगीतकार बनूंगा, कुछ और नहीं, केवल एक संगीतकार। किंतु मेरी उस उम्र में किसी ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। मुझे इस बात पर बहुत हैरानी हुई। 33 वर्ष बाद मेरी माँ, मेरी आया और वह पादरी सबका स्वर्गवास हो चुका है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। किंतु वह ज्योतिषी जो अभी तक जीवित है, कल मैं उस ज्योतिषी से मंदिर के द्वार पर मिला। जब हम बातचीत कर रहे थे तो उसने मुझसे कहा, मैं तो शुरू से ही जानता था कि तुम एक महान संगीतकार बनोगे। मैंने तुम्हारे बचपन में ही ये भविष्यवाणी कर दी थी। तुम्हारी माँ को भी तुम्हारे भविष्य के बारे में उसी समय बता दिया था और मैंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया, क्योंकि अब तक तो मैं स्वयं उस दुनिया की भाषा को भूल चुका था। आप सुनने जा रहे हैं खलील जिब्रान की लिखी कहानी वेश। एक दिन समुद्र के किनारे सौंदर्य देवी की भेंट कुरूपता की देवी से हुई। एक ने दूसरे से कहा, आओ समुद्र में स्नान करते हैं। फिर उन्होंने अपने अपने वस्त्र उतार लिए और समुद्र में तैरने लगी। कुछ देर बाद कुरूपता की देवी समुद्र से बाहर निकली तो वह चुपके से सौंदर्य की देवी के वस्त्र पहनकर वहां से खिसक गई। और जब सौंदर्य की देवी समुद्र से बाहर निकली तो उसके पास पहनने के लिए कोई भी वस्त्र ना थे और वह नग्न नहीं रह सकती थी। अब उसके लिए कुरूपता की देवी के वस्त्र पहनने के सिवाय और कोई चारा न था। लाचार होकर उसने वही वस्त्र पहन लिए और अपने रास्ते पर चल दी। आज तक सभी स्त्री और पुरुष उन्हें पहचानने में धोखा खा जाते हैं, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे अवश्य हैं जिन्होंने सौंदर्य की देवी को देखा हुआ है और उसके वस्त्र बदले होने पर भी उसे पहचान लेते हैं। और यह भी विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी जरूर होंगे जिन्होंने कुरूपता की देवी को भी देखा होगा और उसके वस्त्र उसे उनकी दृष्टियों से छिपा ना सकते होंगे।
खलील जिब्रान की लिखी कहानी तीन चींटियां। एक व्यक्ति धूप में गहरी नींद में सो रहा था। तीन चींटियां उसकी नाक पर आकर इकट्ठा हो गईं। तीनों ने अपने अपने कबीले की रिवायत के अनुसार एक दूसरे का अभिवादन किया और फिर खड़ी होकर बातचीत करने लगी। पहली चींटी ने कहा, मैंने इन पहाड़ों और मैदानों से अधिक बंजर और कोई जगह नहीं देखी। मैं सारा दिन अन्न ढूंढती रही किंतु मुझे एक दाना भी नहीं मिला। दूसरी चींटी ने कहा, मुझे भी कुछ नहीं मिला, हालांकि मैंने यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा। मुझे लगता है कि ये वही जगह है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि एक कोमल खिसकती जमीन है जहां कुछ पैदा नहीं होता। तब तीसरी चींटी ने अपना सर उठाया और कहा, मेरे मित्रों, इस समय हम सबसे बड़ी चींटी की नाक पर बैठे हैं, जिसका शरीर इतना बड़ा है कि हम उसे पूरा देख भी नहीं सकते। इसकी छाया इतनी विस्तृत है कि हम इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसकी आवाज इतनी ऊंची है कि हमारे कान के पर्दे फट जाएं। वह सर्वव्यापी है। जब तीसरी चींटी ने यह बात कही तो बाकी दोनों चींटियां एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसी समय वह व्यक्ति नींद से हिला। उसने अपना हाथ उठाकर अपनी नाक पर खुजाया और तीनों चींटियां पिस गईं। आप सुनने जा रहे हैं खलील जिब्रान की लिखी कहानी मोती। एक बार एक सीप ने अपनी पास पड़ी दूसरी सीप से कहा, मुझे अंदर ही अंदर अत्यधिक पीड़ा हो रही है। इसने मुझे चारों ओर से घेर रखा है और मैं बहुत ही कष्ट में हूँ। दूसरी सीप ने अहंकार भरे स्वर में कहा, शुक्र है भगवान का और इस समुन्दर का कि मेरे अंदर कोई पीड़ा नहीं है। मैं अंदर और बाहर दोनों तरह से स्वस्थ और संपूर्ण हूँ। उसी समय वहां से एक केकड़ा गुजर रहा था। उसने इन दोनों सीपों की बातचीत सुनकर उस सीप से कहा, जो अंदर और बाहर दोनों तरह से स्वस्थ और संपूर्ण था। उसने कहा, हाँ तुम स्वस्थ और संपूर्ण हो, किंतु तुम्हारी पड़ोसन जो पीड़ा सह रही है वह असल में एक नायाब मोती है। आप सुनने जा रहे हैं खलील जिब्रान के लिखी कहानी खोज। 1000 वर्ष पहले की बात है। लेबनन की ढलान पर दो दार्शनिक आकर मिले। एक ने दूसरे से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? दूसरे ने उत्तर दिया, मैं एक यौवन के झरने की तलाश में जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि उसका स्रोत इन्हीं पहाड़ियों के बीच है। मुझे कुछ लिखित प्रमाण भी मिले हैं जो उसका उद्गम पूर्व की ओर बताते हैं। तुम क्या खोज रहे हो? पहले व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं मृत्यु के रहस्य की तलाश में हूँ। फिर दोनों दार्शनिकों ने एक दूसरे के प्रति ये धारणा बना ली कि दूसरे के पास समान विधा नहीं है। वे आपस में बहस करने लगे और एक दूसरे पर अंधविश्वासी होने का आरोप लगाने लगे। दोनों दार्शनिकों के शोर से सारा वातावरण गूंज उठा। तभी एक अजनबी उधर से आ निकला जो अपने गांव में महामूर्ख समझा जाता था। जब उसने दोनों को उत्तेजनापूर्ण बहस करते हुए देखा तो वह थोड़ी देर के लिए वहां खड़ा हो गया और उनके तर्कों को सुनता रहा। उसके बाद वह निकट आकर बोला, सज्जनों, ऐसा लगता है कि तुम दोनों वास्तव में एक ही सिद्धांत को मानने वाले हो और एक ही बात कह रहे हो। अंतर बस इतना है कि अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम में से एक यौवन के झरने की तलाश कर रहा है और दूसरा मृत्यु के रहस्य को पाना चाहता है। है तो दोनों एक ही, परंतु अलग अलग रूप में तुम्हारे दिमाग में घूमते हैं। फिर वह अपरिचित कहते हुए मुड़ा, अलविदा संतो, और वह हंसते हंसते वहां से चला गया। फिर उन दोनों में से एक ने कहा, अच्छा तो क्यों ना हम दोनों मिलकर खोज करें। आप सुनने जा रहे हैं खलील जिब्रान की लिखी कहानी उकाब और कौआ। पहाड़ की एक चोटी पर एक कौआ एक उकाब से मिला। कौए ने उसका अभिवादन किया। उकाब ने अभिमान से उसकी तरफ देखा और धीरे से उसका अभिवादन किया।
कौए ने पूछा। आशा है श्रीमान जी कुशल से होंगे। उकाब बोला, हम सब कुशल हैं, परंतु क्या तुम ये जानते नहीं कि हम सब पक्षियों के राजा हैं, और राजा से संबोधन करने का साहस उस समय तक नहीं करना चाहिए जब तक कि हम स्वयं में सब पसंद ना करें। कौआ बोला, मेरा तो विचार है कि हम सब एक कुटुंब से हैं। उकाब ने उसकी तरफ घृणा से देखते हुए कहा, ये तुझे किसने बताया कि हम सब एक कुटुंब से हैं? कौआ बोला, तो फिर शायद मुझे श्रीमान को यह जतलाना ही पड़ेगा कि मेरी उड़ान श्रीमान की उड़ान से ऊंची है, और मेरी बोली आपकी बोली से सुरीली है, और मैं गाकर दूसरे जीवों को आनंद देता हूँ, और श्रीमान ना तो किसी को प्रसन्न कर सकते हैं और ना ही किसी को आनंद दे सकते हैं। आप सुनने जा रहे हैं खलील जिब्रान की लिखी कहानी बिजली की कौंध। एक तूफानी रात में एक ईसाई पादरी अपने गिरजाघर में था, तभी एक गैर ईसाई स्त्री उसके पास आई और कहने लगी, मैं ईसाई नहीं हूं, क्या मुझे नरक की अग्नि से मुक्ति मिल सकती है? पादरी ने उस स्त्री को ध्यान से देखा और यह कहते हुए उत्तर दिया, नहीं, ईसाई धर्म के अनुसार मुक्ति केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके शरीर और आत्मा के शुद्धिकरण करने की दीक्षा दी गई है। जैसे ही पादरी ने यह शब्द कहे, उसी समय गिरजाघर पर आकाश से तेज गर्जना के साथ बिजली गिरी और इस गिरजाघर में आग लग गई। शहर के लोग भागते हुए आए और उस स्त्री को बचा लिया, किंतु पादरी को आग ने अपना ग्रास बना लिया।